आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जिला चुनाव अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा श्री मंजूर अहमद कादरी ने घोषणा की कि जिले के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में 312 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह घोषणा शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान की गई। कल 16 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन की नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इजरा की गई और बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट को तीसरे फेज में शामिल किया गया है। यानी जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में ये असेंबली इलेक्शन का इनेकाद होगा। बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 14 सोनावारी और 16 गुरेज, तो इसमें हमारा जो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर है। फिर हमारा जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है वो 12 सितंबर 2024 है। 13 सितंबर 2024 को इन फॉर्म्स की जो भी नॉमिनेशन आएंगी उनकी स्क्रूटनी होगी और 17 सितंबर 2024 जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन है। डेट ऑफ पोल हमारा 1 अक्टूबर है और जो डेट ऑफ काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर है। तो 3 जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये चूंकि मुख्तलिफ जोग्राफिकल पोजिशंस में हैं, इसलिए जो अलग अलग इकदाम लिए गए हैं इस पोल को कंडक्ट करने में, इसको मॉनिटर करने में। तो इसमें जो हमारे पास पोलिंग स्टेशंस हैं वो 312 है और जो लोकेशंस हैं वो 220 हैं। सोनावारी में हमारे 137 पोलिंग स्टेशंस हैं, बांदीपोरा में 144 हैं और गुरेज में 31 हैं। और जो इन पोलिंग स्टेशंस में जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है वो 100% वेरीफाइड है।